नमस्कार, जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विद्या गुप्ता से। नर्मदा परिक्रमा के रोचक संस्मरण सुनाएगी और संवाद करेगी संतोष श्रीवास्तव। मैं संतोष श्रीवास्तव का परिचय दे दूं। अब तक संतोष श्रीवास्तव की 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। गौरव की बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में कहानी, उपन्यास, कविता, संस्मरण, लघुकथा, साक्षात्कार, आत्मकथा, अर्थात सभी विधाओं में लेखन किया है। वे पिछले 50 वर्षों से लेखन कर रही है। देश विदेश में 28 पुरस्कारों से सम्मानित है। मुझे जन्म दो माँ शीर्षक से उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। यह पुस्तक अनेक विश्वविद्यालयों में रेफरेंस बुक के रूप में चल रही है। 6 पुस्तकों पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमफिल की जा चुकी है। संतोष श्रीवास्तव हेमंत स्मृति कविता सम्मान का प्रतिवर्ष आयोजन करती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की संस्थापक अध्यक्ष हैं। इनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। साथ ही साहित्य के लिए काम करते हुए आपने देश दुनिया के 31 देशों में यात्राएं की हैं। अब संतोष श्रीवास्तव संवाद करेगी विद्या गुप्ता से और सुनेंगी नर्मदा परिक्रमा के रोचक संस्मरण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं विद्या गुप्ता जी से उनकी नर्मदा परिक्रमा के विषय में रोचक जानकारी के लिए। बारे में बताना चाहूंगी, हमारे विश्व मैत्री मंच की वो सदस्य हैं और हिंदी इतिहास आयुर्वेद रत्न सुजोक एक्यूप्रेशर इलाहाबाद से योग शिक्षा एवं योग कक्षा का आपने संचालन किया है और जितनी भी देश की स्तरीय प्रतिष्ठित सारी पत्रिकाएं हैं उनमें आपकी रचनाएं, आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं और आप ललित, आपके जो प्रकाशन है, मतलब मैं ज्यादा परिचय में ना जाके नर्मदा यात्रा पर ही ज्यादा फोकस करूंगी कि आपका आपका जो प्रकाशन है ललित निबंध की पुस्तक है आ अब लौट चलें, और आपने व्यंग, हाँ, आपका प्रकाशित काव्य संग्रह है और कितनी दूर पारदर्शी होते हुए कहानी संग्रह संकलित है। हम 20 सदी के संकलित काव्य संग्रह है, सापेक्ष संयुक्त काव्य अंक है और विशेष बात यह है कि रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा समस्त काव्य का अनुशीलन, साहित्यिक संगोष्ठी एवं गोष्ठियों में प्रतिभागिता, नर्मदा पदयात्री, वो भी अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो विद्या जी खुद बताएंगी किसके साथ गई थी। तो ये है, ये बहुत बहुत मतलब 2 लाइन का परिचय है, आपका काम बहुत ज्यादा है। तो आज हम नर्मदा परिक्रमा के बारे में विद्या जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब मैं हमारे सारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो सब इस विषय में जानना चाहेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, परंतु इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और नीमावर नगर में इसका नाभि स्थल है। फिर ओंकारेश्वर होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्राचीन तीर्थ और नगर हैं। हिंदू पुराणों में इसे रेवा नदी भी कहते हैं। इसकी परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने ये रहस्य और रोमांच से भरी महत्वपूर्ण यात्रा की है जिसका कि पुराणों में रेवाखंड नाम से विस्तृत उल्लेख मिलता है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के का आपके मन में कैसे विचार आया विद्या जी? मंच को नमस्कार, संतोष दीदी नमस्कार, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं फिर नर्मदा के पथ पर यात्रा कर रही हूँ।
हुआ ये था कि मेरा जन्म भी नर्मदा तट पर हुआ था। मैं जो नर्मदा ओंकारेश्वर तीर्थ है उसी के सामने बड़वाह नाम का ऐसा एक कस्बा है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। इस रिश्ते से नर्मदा मेरी नानी लगी। अरे और मेरी और जहां मेरी शादी हुई वो भी नर्मदा का तट है, खलघाट में नर्मदा है, मेरी ससुराल है। उस रिश्ते से नर्मदा मेरी सास भी लगी। अरे वाह क्या बात है, पूरा घर घराना है आपका। और जी, जी, अपना अमरकंटक में मेरे जो गुरुजी हैं जिनसे मैंने दर्शन की शिक्षा ली, तो इस दृष्टि से नर्मदा मेरी गुरु भी हुई। और एक रिश्ता है, नर्मदा मेरी अंतरंग है। आज भी नर्मदा के नाम से मन एकदम रोमांचित हो उठता है जब भी नर्मदा की याद आती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा कहाँ भी जाता है कि नर्मदा परिक्रमा करके जिंदगी बदल जाती है, लेकिन आपकी जिंदगी तो पहले ही बदल गई इतने सारे रिश्तों के बीच। बिल्कुल, मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई थी जिस दिन मैंने नर्मदा यात्रा पथ पर कदम बढ़ाया था। इन्हें परिचय की होश आवाज की, बेटे दरवाजा बंद कर दो। तो इस तरह से नर्मदा के प्रति जो ललक और जो मेरे खून में बह रही थी नर्मदा, वो संज्ञान होते ही मन में ये तरंग उठी। दरअसल क्या है, मैं राहुल सांकत्यायन को बहुत पढ़ी हूँ और उनके संस्मरण और अमृतलाल जी वेगड़ उनके संस्मरण जो पढ़ती रही, तो कहीं दिल में ये था कि क्या किसी दिन मुझे भी ऐसा चांस मिलेगा कि मैं भी ये ऐसी यात्राएं कर पाऊं। यानी जिंदगी एक कटघरे में बंद होकर थी और इन यात्राओं को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था हमारा अंतर कि किसी दिन क्या मैं भी ऐसी यात्रा पर निकल पाऊंगी। और शायद उसी क्षण भगवान ने टच किया और मेरे जीवन में वो दिन आया कि मैं नर्मदा परिक्रमा पर निकल सकी। जी, मतलब अमृतलाल वेगड़ जी के साथ गई, अमृतलाल वेगड़ जी के दल के साथ गई। जी जी, जी। हाँ, उनके वेगड़ जी के साथ। आपका उनसे परिचय हुआ? दरअसल जिस दिन, मतलब वो बोलते ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो मेरी चाह में राह ये निकली कि हमारे ही पड़ोसी जो हर साल नर्मदा परिक्रमा करते थे और मुझे जानकारी नहीं थी, जब जानकारी हुई और मैंने उनसे कहा कि भाई मैं भी चलना चाहूंगी, तो उन्होंने कहा कि भाई वेगड़ जी से परमिशन ले लेते हैं। इस तरह से पता लगा कि उन्हीं के फूफा जी हैं, मतलब उनके अच्छा। फूफा ससुर वेगड़ जी, तो बहुत आसानी से संबंध भी जुड़ा और राह भी निकली। इस तरह से मैं पहली यात्रा पर अमृतलाल जी वेगड़ के, मतलब हम लोग दुर्ग से उनके घर पहुंचे और उन्होंने अच्छा, शानदार वेलकम किया हमारा नया यात्री के रूप में। इस तरह से मेरी पहली यात्रा वहीं से शुरू हुई वेगड़ जी के साथ। जी 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 जी। तो आपका कितने खंडों में आपने ये यात्रा की? वो तो क्या खंड यात्रा करते थे, हर साल निकलते थे, लेकिन मुझे ये सुयोग दो तीन बार चार बार मिला कि मैं उनकी खंड यात्राओं में शामिल हुई। मैं जब पहली बार पहुंची तो उस समय वो बंजर नदी की यात्रा कर रहे थे। मतलब अच्छा। रेवा पुराण में है कि नर्मदा परिक्रमा तो सब करते हैं, लेकिन नर्मदा की जो आठ सखियां हैं, आठ सहायक नदियां, उनके सहित भी परिक्रमा होती है जो मुनि मार्कंडेय ने की थी। तो हाँ, तो वेगड़ जी उस समय बंजर नदी की परिक्रमा कर रहे थे जब मैं पहली बार शामिल हुई। जी, और जी। वो बड़ी ही रोमांचक यात्रा थी बंजर नदी की यात्रा। यानी उसमें सारी चीजें ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगा कि यकायक मैं सामान्य से खास हो गई हूँ। अरे वाह। अच्छा, वो बंजर नदी राजनांदगांव जिले से निकलकर महाराजपुर मंडला में नर्मदा में समाहित हुई थी, तो इसलिए हमको जबलपुर से हम लोग मंडला पहुंचे और मंडला से महाराजपुर से में हमने फिर वो यात्रा शुरू की। वो भी एक बड़ा अद्भुत क्षण था कि सामान्य चलते चलते जब पता लगा कि भाई अब चलना शुरू करना है, तो पल भर के लिए मैं थोड़ा सा शक पकाई कि क्या मैं इतना चल पाऊंगी, लेकिन फिर माँ नर्मदा का नाम लेकर ही हमने यात्रा शुरू की। और बड़ा भावभीना दृश्य था, वेगड़ जी के तमाम परिचित तट पर आकर मिले
और नर्मदा की पूजन हुई, आरती हुई, वो संयुक्त स्वर, वो संवेदना से भरे हुए स्वर नमामि देवी नर्मदे जी, जो उनके उद्घोष, हाँ उद्घोष के बाद फिर हम लोगों ने जो पहला कदम बढ़ाया, मैं आपको सुख का वर्णन नहीं कर सकती, मुझे कितना अच्छा लग रहा था जी। नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इस तरह से 10-12 व्यक्तियों का दल था और हम लोग यात्रा पर निकले। जीवन में पहला अनुभव था कि बगैर, हमें मंजिल मालूम नहीं है, हमें जंगलों से घूम कर जाना है, लेकिन क्योंकि भटकने का डर नहीं था, फिर भी होता था ये कि जैसे हम निकले, पहली बार ऐसा हुआ कि दो तीन किलोमीटर चले, फिर पता चला कि नहीं ये राह नहीं, हम भटक गए हैं। तो हम बेटा दरवाजा बंद कर दो, तो हम किसी से पूछे, पता लगा कि भाई आप गलत रास्ते पर आ गए हो। अब देखिए, एक गलती के दो दृष्टिकोण, किसी ने कहा ओहो 2-3 किलोमीटर ऐसे ही गया, किसी ने कहा अच्छा हुआ 3 किलोमीटर में लौट कर आ गए। तो इस तरह से हम फिर उसी से बढ़ते हुए और चलते रहे। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगा था, हालांकि इतना एंजॉय और इतना एडवेंचर था, क्योंकि हमेशा हमारी यात्राएं बंदी बंधाई, लीक से बंधी हुई, ढेरों सामान है, यहाँ रुकना है, वहां खाना है, उन सब से मुक्त थे। खाना भी सुबह के टाइम में स्वल्पा लिया और शाम के टाइम में जब पहुंचते थे किसी मुकाम पर तब वहां खाना, तो दिन भर की जो स्वादिष्ट भूख रहती थी, उसके बाद जो भी खाना मिलता था इतना स्वादिष्ट लगता था। तो ये खाने की सामग्री आप अपने साथ ले जाती थी, खाने की जो सामग्री है? हाँ, देखिए यात्राएं दो तरह की होती है, एक होती है धार्मिक यात्रा जिसमें कुछ भी नहीं, आपको केवल एक झोला कंधे पर लेना है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास खाने का सामान है। तो ये एक मतलब नर्मदा के बारे में प्रचलित है कि यदि आप निकल गए हैं तो आपको खाना भी मिलेगा और हर चीज की समस्या का हल होगा, नर्मदा अच्छा। सारी व्यवस्था करेगी। हाँ, लेकिन हम लोग उस यात्रा पर थे, एक वो खुद भी प्रोफेसर थे और यात्रा में दर्शन, गांव वालों से मिलना, कल्चर, संस्कृति, मौसम सब देखते हुए निश्चिंता की यात्रा थी। यानी वैसे अगर धार्मिक यात्रा निकलती है तो 3 साल 3 महीना और 13 दिन। आपने पूछा था ना कि भाई क्या संकल्प, तो धार्मिक यात्रा का ये संकल्प है कि हमको इस यात्रा को 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी करना है। तो समझ लीजिए कि 1312 किलोमीटर की यात्रा हमको इस समय में करनी है, लेकिन हमारी यात्रा खंड यात्रा थी और खंड यात्रा में अपने मन पर था, इस तरह से हमारी यात्रा चलती है। ऐसा भी कहा जाता है कुछ लोग इसे 108 दिन में भी पूरा कर लेते हैं, और जो परिक्रमा वासी हैं वो लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तटों पर निरंतर पैदल चलते हुए परिक्रमा करते हैं। तो ये जो नर्मदा जी की परिक्रमा है, ये जो आपने की, मैं अपने दर्शकों की ओर से, अपने श्रोता, हमारे साथ शकुंतला मित्तल जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहूंगी कि आपको यह यात्रा करने में कितने दिन लगे और आप कितने किलोमीटर चली? हम लोग चूंकि खंड यात्राएं करते थे ना, तो मुश्किल से 10-12 दिन का एक पैकेज लेकर चलते थे कि भाई हमको 10-12 दिन है। बेगर जी ने 2 बार यात्राएं की, लेकिन दोनों बार ऐसे ही की कि 12 दिन का 15 दिन का समय लेकर निकले, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी यात्रा की थी। तो आराम से आनंद के साथ। एक बार क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे तो एक तपस्वी हमसे आगे जा रहे थे और बिल्कुल यानी उनके चेहरे पर कहीं वो न आनंद था न वो मुग्धता थी, मतलब किसी तरह से दौड़ते हुए यात्रा करनी है। तो वेगर जी ने खुद कहा कि ये यात्राएं तामसी यात्रा है, जिसमें आनंद अच्छा। नहीं, जिसमें जिसमें नर्मदा से मिलन नहीं, जिसमें हम नर्मदा को महसूस नहीं करें, वो यात्रा का क्या नियम। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे चल रहे हैं, चलते चलते थकान लगी या गर्मी लगी तो नर्मदा में उतर जाते थे
घंटा आधा घंटा नहाए और वैसे ही कपड़े झटकते हुए वापस चल देते थे। अच्छा, मतलब आप जो यात्रा करती आपके संग संग नदी चलती थी? हाँ, नदी के साथ साथ चलते थे। क्या बात, नदी हमारे चलती थी। तो होता क्या था कि जैसे ऊंचे पहाड़ों से जो नदियों की धाराएं आती थी तो उसके कारण जगह जगह पहाड़ से नदी तक नाले बन गए थे। तो कभी कभी ये नाले इतने कठिन होते थे कि जिनको पार करना थोड़ा मुश्किल होता था। या तो वापस आप ऊपर चढ़ो और वहां से पार करके फिर नीचे उतरो, तब नर्मदा के साथ चल सकते हैं। तो क्या होता है, या फिर आप नालों को पार कर लो। तो कभी कभी हम लोग नालों को पार कर लेते थे। उसी में बड़ी रोचक घटना घटी कि जब हम लोग ने यात्रा शुरू की थी तो मैंने ऐसे ही सस्ते कपड़े के जूते ले लिए थे कि भाई आराम से उनको रफ कर पहना भी जा सके और चलने में सुविधा होगी। अब एक नाले को जब पार कर रहे थे ना, तो जैसे ही पैर अंदर डाला तो कीचड़ में धस गया, पैर को खींच के निकाला तो आधा जूता वहीं छूट गया। फिर आपने पाछी की यात्रा कैसे पूरी की? जूते का तल वहीं छूट गया और आधा जूता पैर में वापस आ गया। इन्हें ऐसी वीडियो बना दी है कि अगला कदम कहाँ रखूं। तो फिर हमारे जो साथ में थे दुर्ग के जो फोटोग्राफर थे शोकिया, उन्होंने उनके जो सैंडल थे वो सैंडल उन्होंने मुझे लिए और वो जूते उन्होंने, मतलब उनके पास दो जोड़ थे। तो मैंने पूरी यात्रा वो बेढब और बेनाप के सैंडलों को पहन के क्या यात्रा की। रोचक घटना है। तो ऐसे जब मंदिर जी हम जब बंजर नदी की यात्रा कर रहे थे तो बंजर नदी का पथ जो रास्ता है वो काना केसरी के जंगलों से होकर जाता था। अच्छा, काना केसरी से, और वो था लगभग 18-19 किलोमीटर का पेज। तो ये था, हमने भोपाल से परमिशन ली थी कि हम उसमें से पैदल यात्रा कर सके, जबकि सामान्यतः पैदल करने की इजाजत वहां नहीं है। तो अब ये था उनकी शर्त कि भाई आप 4 बजे से पहले पहले जंगल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर जानवरों का नीचे उतरने का टाइम हो जाता है तो खतरा है। अब हम लोग का वो मतलब स्थिति थी, इधर जानवरों को देखने का रोमांच, इधर डर, इधर जंगल, हर पल ये कि इधर से कहीं बाघ मत आ जाए, इधर से बाइसन मत आ जाए, और उस पूरे उसमें हम लोग गुजर रहे थे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग 8:30-9 बजे जंगल में उतर गए। वहां पर कैसा, हर 5 किलोमीटर पर चौकियां बनी हुई थी कि जिसमें आप थोड़ा सा रुक सको, पानी पी लो, फिर आगे चल दो। तो हमने पहला 5 किलोमीटर पार किया, दूसरा 5 किलोमीटर पार किया, और जब तीसरे 5 किलोमीटर की तरफ चले तो पता चला कि जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई है। ऐसा लगा हम आग से घिर गए। जिधर देखो बड़ी बड़ी लपटें बिखर गई, और अच्छा क्या है, सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, तो उन बिखरे पत्तों में आग ऐसी लग रही थी जैसे आग की नदी बह रही हो। हाँ, तो बड़ा ही रोचक, रोमांचक और थोड़ा सा भयभीत करने वाला माहौल था। भयभीत करने वाला, हाँ। तो अब वो जो साथ में वन रक्षक थे उन्होंने रास्ता बताया कि जो पलाश की डंडियां हैं इनको तोड़िए और आग को बुझाने की। तो वो लोग थे, फिर उन लोग वायरलेस से खबर की तो आ गए, और 10-15 लोग आ गए। अच्छा, मोबाइल तो चल नहीं रहा था, वायरलेस से उन्हें खबर की। तो आ गए 10-15 लोग, और उन्होंने तो उनके साथ हम भी, हमारे दल के भी 10-12 लोग थे। तो टहनियां तोड़ तोड़ के और उस आग को बुझाया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आग की नदी बह रही है ये फैलती जाएगी, तो हाथ की लाठी से सूखे पत्तों को काट दीजिए तो आग वहीं रुक जाएगी। तो इस तरह से आग पर करीब 1 घंटे में हम लोग काबू पा सके, मतलब निकलने का रास्ता हुआ। लेकिन तब तक हम आगे का एक समय अपना 1 घंटा खो चुके थे, यानी अब हम सुरक्षित जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। तो हम लोग फिर चल कर जब पहुंचे तीसरी चौकी पर,
तो ये विचार हुआ कि भाई अब अपन यहीं रुक जाते हैं, रात चार तो बज चुकी है और फिर सुबह निकलेंगे। लेकिन हमारे पूरे परिक्रमा पर भोपाल से जो नजर रखी जा रही थी, तो उन्होंने जब हम नहीं पहुंचे चार बजे, इन्हें खटिया गेट से शुरू किया, मुक्ति गेट पर खत्म होना था, तो हम जब नहीं पहुंचे तो बड़ी तहलका मच गया कि भाई सारे यात्री कहाँ गए, उनको ढूंढो। अब जिप्सियां दौड़ रही है, जीप दौड़ रही है कि भाई वो 10-12 लोग कहाँ चले गए। फिर जब वो लोग उस पर आए तीसरी चौकी पर, तो बड़ा उनको मतलब गुस्सा आ रहा था कि भाई अब विकराम से इंफॉर्मेशन के कैसे रुक गए। फिर हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आग लगी थी और ऐसे हम लेट हो गए। बोले नहीं, जंगल में नहीं रुक सकते आप, चलिए ठीक है। वेगर जी की तो वो थी प्रतिबद्धता थी कि पैदल ही चलना है, लेकिन परिस्थिति देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया और हम लोग जीप में बैठकर जंगल से बाहर हो गए। जब सुबह वापस चलने के लिए तैयार हुए तो वेगर जी ने बड़ा विनम्र प्रस्ताव रखा कि भाई जहां से अपन ने छोड़ी थी यात्रा, अगर अपन वहीं चलकर जीप अपन को छोड़ दे और वहां से अपन फिर पैदल शुरू करें तो कैसा रहेगा। तो ठीक है, किसी को आपत्ति नहीं थी। इस तरह से हम लोग कटिया गेट से वापस जीप में बैठे, जीप में फिर उसी जगह पर आए जहां आग लगी थी और वहां से फिर हमने वापस पैदल यात्रा। तो इस तरह से अगर आपका नियम है तो ये प्रतिबद्धताएं भी हैं। जी जी, और चलिए हमारे साथ जुड़ गई हैं उषा सक्सेना जी, शकुंतला मित्तल जी, प्रमिला वर्मा जी, जनक बघेल जी, और बहुत ही बढ़िया उनके जनक जी लिख रही, बहुत ही रोचक और रोमांचक यात्रा वृत्तांत है, सुनने में आनंद आ रहा है। और प्रमिला जी ने लिखा कि नर्मदा जी ने हमें तैरना सिखाया और पानी से बचना भी सिखाया। मतलब हमारे श्रोता जो है सब आनंद ले रहे हैं। वनीता शर्मा है, नमस्कार कर रही हैं सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम कि मैंने इसमें अमरकंटक की यात्रा की थी, तो अमरकंटक से तो मतलब निकली है नर्मदा नदी, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं अमरकंटक की यात्रा कर चुकी हूँ। वहां पर मैंने सफेद रंग के लगभग 34 मंदिर देखे, नर्मदा उद्गम कुंड जहाँ से नर्मदा प्रभावित होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या नर्मदा परिक्रमा अमरकंटक से आरंभ होती है, ऐसा है कुछ? वैसे तो यही है कि अमरकंटक से नर्मदा मतलब परिक्रमा उठाई जाए, लेकिन अपनी सुविधा और रास्ते को देखते हुए हमने दो बार नर्मदा की परिक्रमा की, तो दोनों बार हमने बर्मान घाट, जिसका रेलवे स्टेशन करेली है, करेली से बर्मान घाट हमने दोनों यात्राएं शुरू की थी। जैसे यात्रा शुरू करनी है तो जब दूसरी यात्रा जो थी वो थी, उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये मेरी अंतिम यात्रा है, तो हम लोग देश विदेश से काफी लोग आए, इन्हें लगभग समझ लीजिए कि 30 व्यक्तियों का दल बन गया, जो एक सिरे से चलना शुरू करते तो दूर तक हमारे ही दल के व्यक्ति दिखाई देते थे। तो पत्रकार भी थे, संपादक भी थे, कुछ विदेशी मित्र भी थे इस तरह से। तो वो यात्रा भी बहुत ही रोचक थी, जिसमें मतलब इतने इतना आनंद, तो हमने दोनों यात्राएं बर्मान घाट से शुरू की थी। तो जो वह सुबह थी जब इकट्ठा हुए बर्मान घाट के रेस्ट हाउस में, मैं आपको बताती हूँ, उतना दिव्य दृष्ट मैं भूल नहीं सकती। चारों तरफ नर्मदा का पानी था, वो दिव्य दृश्य का वर्णन करें जरा। नीरज वेगड़ जी भी जुड़ गई है हमारे साथ, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, ये वेगड़ जी, हाँ उनके उनके बेटे हैं नीरज वेगड़। हाँ अच्छा, वेगड़ जी के पुत्र हैं। बहुत स्वागत है आपका, और आज की प्रेरणा आपके पिता ही रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की, जो नर्मदा परिक्रमा पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार, आप आए जी। वसुधा सहस्रबुद्धे अमेरिका से जुड़ी हैं, वनीता शर्मा हैं, काफी लोग हैं। चलिए आगे बढ़िए विद्या जी। तो इस तरह से जो अंतिम यात्रा थी, तो हम लोग सारे मतलब लोग बर्मान घाट के रेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए, और वह दिव्य सुबह थी जब हम लोग रेस्ट हाउस की छत पर खड़े थे और चारों तरफ नर्मदा
फैली हुई थी, दोनों तरफ हरे भरे घाट थे और ऐसा दिव्य वातावरण लग रहा था जैसे कोई हम दूसरी दुनिया में हो, इतना बढ़िया लग रहा था। तो यात्रा शुरू करने से पहले नेदर जी उस पार जो दीपेश्वर का मंदिर था जी, उस मंदिर में जाकर वहां से जैसे एक इजाजत लेकर सुरक्षा का आश्वासन लेकर फिर नर्मदा नदी को नाव से पार करने के बाद यात्रा शुरू करते थे तो दोबारा नदी को क्रॉस नहीं करते थे। अच्छा, करना नहीं चाहिए मतलब या करते नहीं थे? नहीं नहीं, करना नहीं चाहिए, यानी आप एक तरफ से यात्रा कर रहे हैं तो एक ही तरफ से यात्रा होगी, आप नर्मदा को क्रॉस नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग पहले दीपेश्वर महादेव के मंदिर जाकर और नाव से वापस आए और फिर एक तरफ से यात्रा शुरू की जी। तो बेगड़ जी इतने बड़े प्रेरणा स्रोत है, यानी समझ लीजिए कि 75-76 साल की उम्र उनकी, और जी वो हमारे आगे चल रहे हैं जी, बिल्कुल शांत भाव से कंधे पर अंगोछा है और चल रहे हैं जी। जी जी, तो जो आपने जो परिक्रमा की उसमें तो बहुत से तीर्थ आए होंगे ना, नर्मदा नदी के बहुत से तीर्थ भी आए होंगे, तो आपने उन तीर्थों का कैसे आनंद लिया? और जब यात्रा आप दिन की यात्रा समाप्त करती थी कहाँ रुकती थी, क्या जंगल में आपको जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ा, ये सब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आवाज जी एक बार फिर से, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आवाज बहुत मध्यम आ रही है जी। जी जी, मैं हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जिन आप दिन भर यात्रा करती थी और रात्रि विश्राम करती थी, तो क्या जंगलों में रुकती थी, क्या आप जंगली जानवर भी से भी मुलाकात हुई, क्या हुआ, मतलब उस सब का भी हम जानना हाँ, चाहेंगे उस सबके ऊपर। जनरली हम मतलब सुबह जल्दी उठकर और जिनको चाय की आदत है चाय पी ली और उसके बाद बस एक वो नर्मदा को प्रणाम करो और चल दो, उसके बाद लगभग समझ लीजिए कि 2 बजे तक यात्रा चलती थी। उसके बाद कोई भी जगह ऐसी, या तो मंदिर हो या धर्मशाला हो या कोई पेड़ की छांव हो नदी का तट कहीं पर देखकर घंटा 2 घंटा विश्राम करते थे और कुछ स्वल्पाहार करते थे। एक और मजेदार घटना हुई थी कि जब मैं पहली बार गई थी ना तो बहुत सारा नाश्ता बनाकर ले गई थी कि ऐसी यात्रा में अगर मनपसंद नाश्ता मिलेगा तो सब बड़े खुश होंगे, लेकिन यात्रा शुरू करते ही बोलते ना सर मुंडाते ओले पड़े, ऐसे वो सारा नाश्ता जिसको खूब सपनों से सजा कर लाए थे स्वाद, वो ट्रेन में ही भूल गए। तो मुझे रास्ते भर वो अखड़ता रहा कि वो देसी घी के लड्डू और वो समोसे और जो भी था। तो ये फिर आपने भोजन कैसे किया, क्या खाया फिर आपने उस दिन? नहीं, वैसे हम लोग में जैसे यात्रा करते थे तो लगभग 4 मजदूर साथ में थे। अच्छा, 4 मजदूर भी साथ चलते थे जो सामान उठाते थे। तो पहली यात्रा में हमने अपना सामान खुद उठाया, दूसरी यात्रा में वो जो बच्चे थे वो खाने पीने का सामान लेकर चलते थे साथ में। तो उसका क्या मतलब एक इफेक्ट होता था कि जैसे जिस गांव से निकल रहे ना तो नर्मदा परिक्रमा वासियों को बहुत सम्मान से देखा जाता था, लोग दौड़ दौड़ कर पैर छूते थे, यहाँ तक भी आया कि किसी ने कहा कि आप हमारे घर में पैर रख दो। क्या आप बात, हमारे घर में केवल पैर रख के बाहर निकल जाओ। किसी एक के घर गए थे तो उसने कहा कि हमें आपके पैर धो लेने दो, नर्मदा की धूली हमारे घर को पवित्र कर देगी। यानी इस तरह से आस्था का एक्सट्रीम देखा, तो दूसरी तरफ यह भी देखा कि जिस गली से जिस सड़क से हमारा दल निकलता था ना तो लोग भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे कि ये लोग कौन है, शायद सर्वे करने आए हैं और आए हैं तो अब गांव में कोई ना कोई संकट आएगा। तो भयभीत निगाहों से हमको देखते थे कि सर पे बड़ा बड़ा सामान है और इतने सारे लोग हैं तो ये जरूर कोई किसी तरह का सर्वे कर रहे हैं और अब गांव में परेशानी, ये भी उन लोगों की एक भावनाएं होती थी।
तो इस तरह से। अच्छा, और भी एक बात और हमने सुनी थी। अब तो खैर नर्मदा परिक्रमा के नए नए रास्ते इजाद हो गए हैं, लेकिन पहले के समय में जब नर्मदा परिक्रमा की जाती थी तो जो जंगल से गुजरते थे वहां जो आदिवासी रहते थे, भील वगैरह, वो लूट लेते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतरवा लेते थे। हाँ, उनके कपड़े, चश्मा, जो कुछ रहता था ना, वो सब छीन लेते थे। लेकिन वो हाँ घटना है शूल पानी। शूल पानी की झाड़ियां, बिल्कुल कटीली झाड़ियों का जंगल है, तो जी, वहां भील लोग मतलब खतरनाक होते थे। कभी कभी तो तीरंदाजी में आपको घायल भी कर देंगे, आपको लूट लेंगे, आपको पीट देंगे भी, आपका सब कुछ लेकर। तो उनसे बचे तो नर्मदा परिक्रमा पूरी हुई, लेकिन ओह हमारे साथ बाप ऐसा रे। नहीं हुआ। वेगर जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि हाँ उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पर, वो सकुशल बाहर निकल गए थे। अच्छा, यात्रा में उन्होंने लिखा है कि कई बार विदेशी मतलब महिला भी आकर अकेली यात्रा की। उससे हमको बड़ा हौसला मिलता था कि विदेश से आकर एक लेडी अकेली यात्रा कर रही है, तो हम तो कर सकते हैं। तो जी इस तरह से यात्राओं में वैसे तो सुखद ही सुखद है, लेकिन कभी कभी बड़ा कड़ा सामना भी करना पड़ता था। एक जी बार की यात्रा हम लोग कर रहे थे, उसमें नर्मदा की ही यात्रा थी, तो वेगड़ जी नहीं थे। अब हम लोग को रुकना था गांव में, लेकिन देखा कि भाई अभी तो दिन है, अपन और 1 घंटा चल सकते हैं। तो जिस गांव में रुकना था वो पता लगा 4 किलोमीटर पर है, तो सबने हौसला बढ़ाया कि चलो चलते हैं। लेकिन वो सूचना गलत थी, वो लगभग 9 किलोमीटर था। ओहो अब हम लोग चल तो दिए, रास्ते में रुकने का कोई कोई सिवा जंगल के कोई साधन नहीं था। चलते चलते हालत थककर इतनी इतनी खराब हो गई थी कि अब गिरेगी तब गिरे, क्योंकि लगभग 24 किलोमीटर हम चल चुके थे। अब जहां पहुंचे तो कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता चला वहां पर 1 सप्ताह से ट्रांसफार्मर उड़ गया था, ओ बाप तो रे। सूर्य भगवान के जाने के बाद उजाले का कोई साधन नहीं। एक तो गांव में वैसा ही मतलब अंधेरा रहता ही है, दूसरा न सरकारी न घर की कहीं कोई लाइट नहीं, बस एक तो आसमान में सितारे दिख रहे थे, और दूसरा यदा कदा कोई जुगनू जुगनू पास से निकल जाए, बस उतनी लाइट थी। मैंने एक बार ऐसा लगा कि क्या सूझा जो हम घर बार सब छोड़कर और ऐसे जंगल में आए हैं। शरीर की हालत खराब, बड़ा और रहा था उस दिन, मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी यात्राओं में ये सबसे कठिन रात थी। जो जी, बड़ा रोमांचक था ये, तो बताइए। हाँ तो हुआ ये कि हम लोग जब पहुंचे तो शरीर तो बिल्कुल थककर गिरने के क्रम पर थे, लेकिन जो बेचारे लड़के थे उनको तो भूख लगी थी, तो खाना तो उनको बनाना ही था। अब उन लोग ने खाना वाना बनाया, मेरा उपवास था। ये अष्टमी का दिन था, नवरात्रि की अष्टमी, तो हाँ उपवास में हमने पूछा कि भाई क्या बनाए। तो अब मुझे ये लगा बेचारे बच्चे ये भी सामान लेके चल रहे हैं, अब ये क्या फलाहार का बनाएंगे। मैंने ऐसे ही कैजुअल कहा, मैंने कभी 2-4 आलू डाल देना, जिसमें खाना बनाओगे नीचे में तो थोड़ा सा आलू का ही आहार कर लेंगे। उन्होंने केवल 4 आलू छोटे छोटे से डाले। माय गॉड। अब पेट में तो कुमड़ा समा जाए, इतनी बड़ी भूख थी, लेकिन उतने आलू में भी दो लोग। खैर देरी के सामने फिर भूख छोटी हो गई, और मैंने वो 4 आलू तो बेटे को खिला दिए, अपना पानी का फलाहार किया। अब इतना ही काफी नहीं था, वहां पर एक तो वो जो धर्मशाला थी वो गांव के बाहर थी, तो सामने खेत, तो कोई इंसान का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। गनीमत थी कि माय पास में गॉड। एक छोटा सा देवी का मंदिर था, जहां पे एक दीपक जल रहा था, तो थोड़ा सा जीने का आलम्बन बना कि देवी है। उसके बाद वहां पर मतलब रहर की दाल जैसे गोल गोल कीड़े थे, इतनी ज्यादा तादाद में कि आपने पैर रखा और वो आपके ऊपर चढ़े, मतलब हर ओ थोड़ी देर हो में आपको वो अंदर घुस जाते थे, कहीं इधर से अच्छा पकड़ के निकाले कीड़े को, कहीं इधर से पकड़ कर।
अरे बाप रे। और खाना कैसे बनाए, तब के किसी ने रास्ता निकाला कि भाई पानी की एक बारात भर के रख दो, और हमारे पास एक ढिबरी थी मिट्टी तेल की, उस ढिबरी को पानी में रखकर दूर रख दिया। आप मानेंगे वो थाली भर गई, इतने कीड़े पानी में, वो पूरे कीड़े ऊपर तक भर गए। जैसे भी खाना बना, और ऐसे ही रात हुई, अधिक थकान के कारण, मुझे थकान कहो या भूख कहो, लेकिन अभी वो मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, अभी उससे बड़ी मुसीबत बाकी थी कि रात होते ही गांव से, खेतों से वो सियार और लोग, वो कुत्ते भालू, वो लोग कई ज्यादा तादाद में आ गए। अब उनकी वो आवाज, माय गॉड, उनका चिल्लाना हो, और वो कुत्ते और वो जो बर्तन पड़े थे वो उनको खाने के लिए खरोच रहे थे। टोटल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि सुबह हो जाए तो जान बची। क्या बात है, बाप रे, बहुत डरावना सीन होगा। तो ऐसे क्षण भी आए, लेकिन आज देखिए उस रोमांच को याद करते हुए भी मजा आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक, मतलब अति महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, क्या इस परंपरा के कुछ नियम होते हैं या कुछ संकल्प होते हैं? एक संकल्प तो मुझे बहुत प्रिय है, वो ये कि वो मुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो कहते हैं कि सूजी का हलवा जाने के पहले सूजी का हलवा बना के खिलाना पड़ता है कन्याओं को, गांव वालों को, और ये सब, और फिर यात्रा शुरुआत कर देवी माँ को, मतलब नर्मदा देवी को समर्पित करके फिर करते हैं। तो जरा आपसे जानना चाहेंगे इसके संकल्प और नियम। हाँ देखिए, मैंने भी यात्रा किसी संकल्प के तहत या पूरी यात्रा करूंगी ऐसे नहीं की थी, और बेगर जी ने भी इस तरह का कोई संकल्प लेकर, वो तो प्रोफेसर थे और एक दार्शनिक की तरह उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो उन्होंने, हालांकि हम लोग जब निकलते थे ना तो घर से ढेरों सामान ले जाते थे, जैसे चूड़ियां हैं, बिंदी है, रंगीन फूंदे वगैरह हैं, और गांव वालों को बांटने के लिए कुछ खाने पीने की चीजें हैं, जो हम रास्तों में गांव आता था ना तो उनको बांटते थे, जैसे खरीद लेते थे, और फिर बच्चों को, तो गांव में भी बड़ा बच्चों को मजा आता था कि भाई जैसे आए हैं तो घेर लिए, और चूड़ी बिंदी कोई क्लिप या कान के, ऐसे बच्चों को, लड़कियों को। तो देखिए, एक भावना ये है कि हम हलवा खिला के और नौ लड़कियों को, मतलब देवी मानकर यात्रा शुरू करें, और एक ये थे कि ढेरों गांव की लड़कियों को खुशियों को बांटते चलो। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे, हाँ बच्चियां बड़ी खुश होती थी, इतना मतलब उत्साह से देखती थी उन चीजों को कि किसी को चूड़ी मिली, किसी को बिंदी मिली, किसी को खाने को मिला। तो एक तरह से हमारी वो भावना वहां पर पूरी हो जाती थी कि हमने खुशियों को बांटा। और इससे कितना आनंद मिलता होगा, आनंद भी कितना मिलता है कि जिस दिन यात्रा समाप्त कर हम, मतलब मुझे जब बंजर नदी की यात्रा कर रहे थे तो जाना तो हमको था मतलब मलाजखंड होते हुए राजनांदगांव तक, इन्हें मंडला, जबलपुर मंडला से पैदल चलकर हमको राजनांदगांव छत्तीसगढ़ तक पैदल जाना था, लेकिन मुझे कुछ कारण से उस यात्रा को अधूरा छोड़ना पड़ा। तो पलहर, मलाजखंड के सामने ही पलहर, वहां पर हम लोग रुके, और उसके बाद फिर मुझे इंदौर जाना था, मेरी भांजी की शादी थी। तो फिर अधूरी यात्रा छोड़कर जब मैं बस में बैठी, मैंने कहा ना कि वो बेडोल सैंडल पहन के और मेले कपड़े, थका शरीर, लेकिन मन आनंद से बिल्कुल सराबोर था इस यात्रा में। और जब हम बस में बैठकर वापस जाने लगे तो मुझे लगा कि मेरा आसमान जैसा कद बिल्कुल सामान्य हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप बहुत खुशनसीब हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले जब हम यात्रा कर रहे थे तो लोग मतलब दूर से देख लेते, नर्मदा हर हर नर्मदे इस तरह से करते थे, जो स्वागत करते थे,
यानी जिधर जिस गली से निकले लोग हाथ जोड़कर खड़े होते थे, हमारे घर मट्ठा पी लीजिए, मही पी लीजिए छाछ, और खाना खा लीजिए भोजन। मैं एक और घटना आपको बताती हूँ, बड़ी ही रोचक। जी जी स्वागत है। यात्रा में बेगर जी नहीं थे, हम लोग 10-12 लोग का दल था। तो थकान के बाद जब हम एक आश्रम में पहुंचे, हरिहर आश्रम था, तो वहां हमने इजाजत मांगी तो उन्होंने बड़ी खुशी से हमको रुकने की सारी व्यवस्था कर दी। और इतना अच्छा लग रहा था कि थकान के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना सुरक्षित स्थान और बिस्तर सब मिल गए। उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि भाई आप नहा धो लो और भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से। तो हम और खुश हो गए। अब उन्होंने दाल चावल सब्जी वगैरह का सारा भोजन बहुत प्रेम से बनाया और परोसा। जब उन्होंने, मतलब समझिए कि इतना अच्छा लग रहा था कि दिन भर की भूख के बाद कोई गरम गरम खाना परोस कर आपको खिला रहा है, मतलब दिल से आशीर्वाद निकल रहे थे कि इससे बढ़कर और क्या। अब जब परोसने लगे वो, तो उन्होंने चावल परोसे और सब्जी दी, दाल दी। उसके बाद में मैंने देखा कि एक बाल्टी में बड़ा सा चम्मच लेकर आखिरी में कोई आदमी कुछ परोसा हुआ आ रहा है। तो मुझे जी, लगा कि निश्चित रूप से वो आम का पना होगा। इतना अच्छा लगा ना कि वो कब मेरे पास पहुंचेगा और मैं कब दो दोने आम का पना पी लूंगी, क्योंकि जंगल की भूख और जंगल की प्यास भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो जब परोसते हुए आए मेरे पास, तो उन्होंने वो बड़ी, इतना बड़ा चम्मच उंडेला चावल में, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, मुझे दोने में डाल दो। तो उन्होंने कहा घी है। ओह माय गॉड, घी मत डालिए, रुकिए। अब जितना वो डाल चुके थे उसको भी मैंने कोशिश से अलग निकाला कि मैं उतना घी नहीं खा सकती। मतलब आपका पन्ना का सपना टूट गया, पन्ना पीने का सपना। वो घी भी याद रहेगा कि जितने उतने घी उन्होंने डाल दिया। नहीं, लेकिन आवश्यकता होती है। देखिए, जो पदयात्री होते हैं उनको एनर्जेटिक खाना बहुत जरूरी है। मतलब आप घी खाएंगे तब तो चल पाएंगे, आप पदयात्रा कर रही थी। अब तो बसेस चलती हैं, बस में आराम से होटलों में रुकते हैं और चलते हैं, मतलब वो आनंद नहीं रहा जो पदयात्रा में रहता है, जैसा कि आप बता रही हैं। तो अच्छा, एक कांतिलाल जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपके संग उन्होंने यात्रा की। कांतिलाल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बात भी सही है कि जो लोग यात्रा करते हैं ना, तो घर से दूर, घर के सुख साधन से दूर, तो एक जो खाने की ललक, यानी एक तरफ तप है कि हमको कुछ नहीं खाना है, जो मिलेगा सूखी रोटी, जो भी मिलेगा खाना है। लेकिन खाना एक तरफ जो घर की याद और जो स्वादिष्ट भोजन की ललक है, वो भी इतनी बढ़ जाती है ना कि जहाँ खाना बिल्कुल अच्छा मिला तो ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार मिल रहा है। तो हम लोग जब बंजर नदी की यात्रा नहीं, इसी तीसरी यात्रा में थे, तो हमारी एक सहयात्री थी कुमुद, उनके मिस्टर प्रशासन में कोई अच्छी ऊंची पोस्ट पर थे, तो वो जंगल में आकर मिले और उन्होंने अपनी तरफ से खाना रखा। तो शायद अच्छा। उस मनोविज्ञान को जानते थे, उन्होंने इतनी वैरायटी का खाना और इतनी वैरायटी का नाश्ता दिया, जिसमें फल भी थे, शरबत भी थे, अचार भी था, नाश्ता भी था। तो हमें लगा कि नर्मदा परिक्रमा का ये सार्थक, आपको प्रसाद प्राप्त हुआ है। प्रसाद मिला। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जहां से नर्मदा परिक्रमा आरंभ करते हैं उसी जगह आके उसको छोड़ना चाहिए, तो आपने भी क्या ऐसा ही किया? नहीं, क्योंकि मैंने तो खंड यात्राएं की, तो वेदर जी ने भी, हाँ मतलब क्या, यात्रा में कोई हिस्सा छोड़ते नहीं है, पूरा करते हैं। अपने अपने नियम है। वेदर जी ने मतलब टुकड़ों में यात्रा की, भाई ये टुकड़ा कर लिया, अब जब दूसरी बार आएंगे तब यहीं से फिर शुरू करेंगे। इस तरह से उन्होंने पूरी यात्रा की। तो जनरली एक मान्यता है कि ओंकारेश्वर में जाकर यात्रा हम लोग मतलब समर्पित करते हैं ज्योतिर्लिंग। तो बहुत बढ़िया। और इस तरह का कोई नियम
मेरी यात्रा में तो लागू नहीं था, बस मेरी यात्रा में तो एक ही नियम था कि जो आनंद जो एडवेंचर था वो विलक्षण था जी, जी, मैंने अपने जीवन की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे पास कि मैंने नेचुरल है, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत इसमें कोई शक नहीं। और वेगड़ जी ने वो एंजॉय भी था क्योंकि जो तपस्या करते हैं उसमें बहुत कठिनाइयां हैं भाई, बहुत कठिनाई, बहुत कठिनाई, बहुत कठिनाई, सही बात। हाँ बिल्कुल, मैंने पहाड़ों पर चढ़ना है कितनी बार ऐसे ये शायद रामपुरा या ऐसा कुछ वो था, वहां पर हमें खड़ा पहाड़ चढ़ना था और वहां पर पथरीली नुकीली गिट्टियां थी, तो पैरों में इतनी चुभ रही थी ना कि कब ये पहाड़ खत्म होगा और कब हम नीचे उतरेंगे। तो मतलब आप उस पहाड़ पे चढ़ी? हाँ हाँ, अरे क्या बात है। और एक जगह मतलब कई ढलानों को पार करते हुए हमें बहुत लंबे हिस्से को पार करना था, तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब बस। तभी एक महिला पास से निकली सर पे कनस्तर लेकर, हमने पूछा कि कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि आटा पिसवाने। कहाँ आटा पिसवाने? बोले ये दो पहाड़ के बाद। मैंने कहा कि आप लोग कैसे मतलब ये कर लेते हैं, तो बोले हमको तो रोज जाना पड़ता है ना। हाँ उनकी तो आदत है। हाँ, तो जिस यात्रा को हमने पूरा सर से पैर तक नाप दिया उनको वो रोज करते थे। हाँ हाँ, ये पहाड़ी स्त्रियां तो खैर बहुत ज्यादा परिश्रमी होती हैं और प्रतिदिन उनके कार्य होते हैं, ये ईंधन इकट्ठा करना, आटा पिसाना, ये सब उनके लिए जीवन की चर्या है, तो दिनचर्या थी हमारे लिए ये वो लगता है। जी जी जी, हमारे लिए तो लगता है कि कैसे करती होंगी, लेकिन इसकी उनको आदत है। बहरहाल बहुत बढ़िया जी। इसके अलावा जो विहंगम दृश्य थे, नर्मदा के जलप्रपात, फैली हुई नर्मदा के घाट और दूर तक नर्मदा के किनारे बिल्कुल शांत माहौल, कभी उगता हुआ सूरज, क्या बात है। थी कि सामने डूबता हुआ सूरज था और उगता हुआ चंद्रमा था। अरे वाह, सिलेरी करके गांव था, तो दोनों उजालों का संगम था वहां पर। सभी लोग चूल्हा और चूल्हा जल रहे थे, तो चूल्हे की लपटों का एक अलग रोशनी का माहौल बन रहा था। मतलब और दिन भर के थके होने वाले तीनों रोशनी को मैं देख रही हूँ, तीनों के अलग अलग संदेश थे। चंद्रमा के क्या बात है, ऐसे में भी देखो आनंद, सूर्य थक कर जा चुका था और चूल्हे की रोशनी पर खाना बन रहा था। क्या बात है, बेकर जी कोलाज बनाते थे, वो चूल्हे की रोशनी में डूबते सूरज और डूबते चांद का कोलाज कागज पर बना रहे थे। अरे वाह, बनाते थे उन्होंने वो तीरे 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 नर्मदा लिखा है, वो तीरे तीरे नर्मदे किताब है ना उनकी। नर्मदा में हमारा उस यात्रा का पूरा जिक्र है, पूरा जिक्र है। हाँ। बहुत प्रसिद्ध हुई है वो किताब, जो यात्रा हमने की उसका पूरा जिक्र उसमें है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप तो बहुत मतलब जब तक शरीर में ताकत है चलने की हमको पैदल तब तक ये कर लेना चाहिए। बिल्कुल हाँ, अभी मेरा बहुत मन करता है लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कर ये सब करने की। एक तो वो पदयात्रा बंद सी हो गई है, अब तो सब कमर्शियल हो गया है, तो वो है। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी लेकिन अब मैं नहीं कर सकती नर्मदा परिक्रमा, इसलिए मैं आपसे सुन रही हूँ। शरीर की संकल्प की दृढ़ता बहुत जरूरी है। वेगर जी ने 70-80 साल में यात्रा की और मैंने सही समय था कि शरीर में ताकत, मन में उत्साह, मन में संकल्प, कुछ ईश्वर का और नर्मदा का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुख उठा भाई। नर्मदा नदी बहुत लुभाती है, एक तो इतनी इतनी मतलब क्या कहना चाहिए, इतनी सहायक नदियों को लेके वो चलती है, आगे बढ़ती है और जगह जगह उसके मंदिर और तीर्थ और बहाव, इतनी साफ नदी है, कहीं से भी वो मलिन नहीं है। और अच्छा, और एक बात आपको मालूम है, नर्मदा नदी का पानी इतना पाचक है कि कैसा भी मतलब कम खाने वाला हो उसको कस कर भूख लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल,
डिमांड बढ़ जाएगी पेट की। हाँ, हम तो जबलपुर में रहते थे तो ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट खूब जाते थे, और खूब गाकड़ भरता बना के वो बाटी भरता, और खूब खा, मतलब वो भी क्या समय था, गजब। इसके बाद हम अच्छा ये बात, ओंकारेश्वर भी गए हैं। जगह जगह नर्मदा के किनारे आपको बहुत आराम से देखने को मिलते थे। बस हाँ बहुत मिलेंगे, बिल्कुल। तो इतनी है ना, चलिए सबसे बहुत बढ़िया ही, खाना कि छेना जला दो, उस पे दाल चढ़ा दो, उसी के छेने पे हाँ बाटियां बिल्कुल सेक लो, और इतनी भूख है कि वो सब हजम हो जाएगा। तो सब हजम हो जाता है, क्योंकि ये हाँ मेरे जीवन का सबसे बड़ी बहुत बात करीब है है। जी। मैंने इतना नर्मदा को देख के इतनी पवित्र भावनाएं मन में उठती हैं कि फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमारे शरीर को कष्ट दे। बस वो संकल्प शक्ति होनी चाहिए, जैसे कि आपने हाँ, उस पर मैंने कहा ना किया आपका। कि संकल्प शक्ति ही नर्मदा परिक्रमा आपकी करवाएगी, या फिर नर्मदा की कृपा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं अपनी जानकारी देना चाहूंगी कि परिक्रमा का जो मार्ग है वो अमरकंटक माई की बगिया से नर्मदा कुंड, मंडला, जबलपुर, भेड़ाघाट, बरमान घाट, पतई घाट, मगरोल, जोशीपुर, छपानेर, नेमावर, नर्मदा सागर, पामाखेड़ा, धावड़ी कुंड, ओंकारेश्वर, बालकेश्वर, इंदौर, मंडलेश्वर, महेश्वर, खल घाट, चिखलरा, धर्मराय, कातरखेड़ा, शूलपाड़ी की झाड़ी, हस्ती संगम, छापेश्वर, सरदार सरोवर, गरुड़ेश्वर, चंदोद, भरुच, और इसके बाद लौटने पर पौंडी होते हुए विमलेश्वर, कोटेश्वर, गोल्डन ब्रिज, बुलबुलकंड, रामकुंड, बड़वानी, ओंकारेश्वर, खंडवा, होशंगाबाद, साड़िया, बरमान, बरगी, त्रिवेणी संगम, महाराजपुर, मंडला, डिंडोरी और फिर अमरकंटक। तो ये पूरा हाँ परिक्रमा का मार्ग है जिसमें ये सब स्थल पड़ते हैं, और पूरी 3 महीने की यात्रा है जैसे आपने की आरंभ में बताया था। तो हाँ अब इनमें से मैंने बस ये ओंकारेश्वर, वैसे तो मंडला, जबलपुर, ओंकारेश्वर, ये सब बालाघाट, ये सब देखा हुआ है। नर्मदा क्या, नर्मदा में तो हमने जन्म ही लिया समझिए, नर्मदा की नगरी में। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आज का हम सबको जानकारी चलिए, मैं दी, इतनी आपका रोचक धन्यवाद दूं, मैं जानकारी। नर्मदा का धन्यवाद दूं कि उन्होंने मेरे जीवन में ये विशेष पल वरदान की तरह दिए। जब भी याद करती हूँ ना, मन रोमांच से भर होता है। कांतिलाल जी मुझे कह रहे हैं कि आप नर्मदा परिक्रमा आरंभ कीजिए, माँ नर्मदा आपको गोद में बिठाकर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। चलिए आपने मुझे जोश दिला दिया, अब मैं सोचती हूँ इस विषय में। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद इन्हें कांतिलाल वो जी थे माधव जी, मंत्री थे जो, उन्होंने हेलीकॉप्टर जी। से की थी, इनसे राफ्टर से नर्मदा की परिक्रमा, और करने वाले बस से भी करते हैं। और कांति नहीं, वो भाई का तो भी बहुत बहुत जो पैदल शुक्रिया। चलने में मजा है वो और किसी में नहीं, बिल्कुल पैदल चलने बिल्कुल, में जो मजा है वो आप इन्हें किसी इतना में भी मजा बैठ के है, चले जाओ। हाँ इन्हें ट्रेन ट्रेन भी हमको वहां मजबूर कर देगी कि भाई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में रुकेगी नहीं, लेकिन हमारी जो हाँ पैदल चलती वाली ट्रेन है कहीं पर भी रुक। मैंने कहा ना कि जब चलते चलती चलते गर्मी लगती थी तो हम नर्मदा में उतर जाते थे, नहाए हाँ और कपड़े को झटकते हुए फिर चल दिए, बहुत वो सूख जाते थे बदन पर। बढ़िया। हाँ जी तो बिल्कुल, इसका बहुत अपना एक अच्छा मजा है। तो मजा तमाम है मतलब बंधनों से मुक्त जी एक आपको वरदान मिला है कि आप फुल एंजॉय करके। तो अब ये है कि खूब सुख मिला तो थोड़ा सा कहीं पर एडजस्ट भी करना पड़ा। बिल्कुल। चलिए कांति आपका भाई बहुत बहुत जी, धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद जन सरोकार मंच का है, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी का है, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम विद्या जी से उनके रोचक अनुभवों को अपने विश्व मैत्री मंच और ये सभी धन्यवाद, जो हमसे जुड़े हैं ये उन धन्यवाद तक मेरी ओर पहुंचा से भी, सकें सभी दर्शक श्रोता जो भी शामिल हुए। जी। और मेरी कोशिश तो रही कि मैं उनको नर्मदा परिक्रमा करवा दूं, जितना जिसको मजा जी आया उसके लिए शुक्रिया। आपका भी जी शुक्रिया कि एक बार आप मुझे फिर ले चली नर्मदा के पथ पर, और मेरी बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि जरूर करिए, जी अगर जीवन बिल्कुल। है अब तो तो मेरे अंदर बहुत जोश आ गया, अब देखती हूँ नर्मदा माता क्या कराती है मेरे से। इसको यही हाँ पूछती है कि आपका मन है तो चलिए। इन्हें बिल्कुल इंदौर से जो मिनल जी थी,
वो भी काफी उम्र की थी लेकिन उन्होंने हर साल पैदल यात्रा की। उन्होंने वेगर जी की पुस्तक का मराठी में अनुवाद भी किया। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये बहुत तो अच्छा है। सारे यात्रा और... भी याद आ रहे हैं जो हमारे साथ थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने जी आपने बहुत समय दिया अपना, पूरा एक घंटा, और मैं आपका बहुत आभार, देवेंद्र जोशी जी का आभार जी, और जितने भी दर्शक हमसे श्रोता जुड़े हैं तो अब बघेल जी कह रही हैं जनक आदरणीय विद्या जी का रोचक अनुभव सुनाकर अभिभूत कर दिया, मेरा मन भी नर्मदा यात्रा के लिए ललक उठा। चलिए हम मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और चलते हैं नर्मदा यात्रा पर। हाँ बेगड़ जी कह रहे हैं जिंदगी है, बेडरूम बेडरूम से किचन, किचन से बैठक, ये सारी सारे बंधन नर्मदा परिक्रमा में हमने खुला उन्मुक्त जीवन जिया। ये जो नीरज जी कह रहे हैं कि ग्वारी घाट तक चल लीजिए संतोष जी, कहां से? भेड़ा घाट से। इतना चलने में हो जाएगी नर्मदा परिक्रमा भेड़ा घाट से ग्वारी घाट तक? क्या बात है, भाई भी है नीरज भाई, हमारी हमको गाइड करेंगे। हाँ नीरज भाई बिल्कुल, हम बनाइए प्रोग्राम नीरज जी आप। देखिए अब हम लोगों की उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से आप प्लान करिए, हम लोगों को थोड़ा तो मतलब देखना भी है और आराम करते हुए चलना है। तो तीसरी यात्रा में हमने एक जिप्सी हमारे साथ चल रही थी, सॉरी जीप, तो हमने कंधों का सामान जीप में डाल दिया था, तो लगातार वजन के कारण जो हमारे पैर बिल्कुल बैलेंस होकर चल रहे थे, ऐसा लगा जैसे पैर हवा में उड़ रहे हैं, वजन कंधों से उतरा। मैंने कहा देखो वजन की भी एक परिपाटी है। बिल्कुल। और इस यात्रा में जब हम बंजर नदी से गुजर रहे थे तो जंगल का सौंदर्य क्या बताऊं, बहुत सुंदर है रियली। जैसे वो बोलते हैं ना बॉटनिकल गार्डन में कितनी तरह के वनस्पति होती है, इस तरह से उस जंगल में इतनी तरह के पेड़ और इतनी तरह के पत्ते हैं, जो साथ में गाइड लोग चल रहे थे वो बता रहे थे कि ये अपने जीवन में मैंने वो नहीं देखा होता तो बहुत कुछ नहीं देखा। इतना कुछ विचित्र था, कहीं पर ये जैसे मोलसीदी वगैरह इनको भी हमने पहली बार देखा था, तो ऐसा अच्छा, लगता अच्छा। था कि इतनी तरह की वनस्पति भी होती है, इतनी तरह के फूल, इतनी गंध, महुआ का संगीत भी मैंने पहली ही बार सुना, वो गंध मेरे ऐसे अंदर में समा गई कि आने के बाद भी लग रहा था कि हम कहां से आ रहे हैं जी। लेकिन अब तो खूब जंगल कट गए हैं कि आप तो महुआ का ऐसे वर्णन कर रही जैसे आपने कभी देखा नहीं। सचमुच मैंने महुआ को पहली बार वहीं पर तो एक लय से गिर रहे थे, टप 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 टप, जैसे सितारे उगते हैं आकाश में, इसी तरह से महुआ नीचे पेड़ों से गिर रहे थे। जी 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया, गंध थी बहुत बढ़िया। चलिए आपने बहुत समय दिया जोशी जी, समापन करें, समय हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए अपन को चलते हैं किसी यात्रा में, चलिए चलिए निकलते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। हाँ कांति भाई है, नीरज जी है, ये गाइड करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जोशी जी नमस्कार, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हम साथ साथ यात्राएं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया वर्णन किया, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जितना याद रहा आपका, बहुत धन्यवाद आपने मंच दिया, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे ही देने देने। हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चलो जोशी जी आप चलिए, प्लान कर लीजिए, अपन गाड़ी कर लेते हैं, जितना पैदल चल सकेंगे उतना चलेंगे, नहीं तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। सही बात है बिल्कुल, है ना। चलिए अब आप लोगों से विदा चाहते हैं, एक आटे का और दाल का, तो कहीं पर भी बाटियां बनेगी और बनेंगी, दाल के संग खाई जाएंगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए अब आपसे इजाजत चाहते हैं, चलिए नमस्कार नमस्कार शुभ रात्रि।